पर पहले माओ की जिंदगी देखे, क्या अजीब जिंदगी थी। एक माँ 5-6 बच्चे को बड़ी मोहब्बत से अच्छी तरह बड़ा कर लेती थी, अच्छी तरबियत करती थी, और आज 5-6 बच्चे मिलके एक माँ की देखरेख नहीं रख सकते। 5-6 बच्चे को एक माँ इतनी कुर्बानियां देती, हर एक को तैयार करती, हर एक को अच्छे कपड़े पहनाती, हर एक को खाना खिलाती, कोई आसान बात है? जिसके 1-2-3 बच्चे हो उनको पूछो कि 2-3 बच्चे को हैंडल करना कितना हार्ड होता है। तो 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे और घर में गुर्बत, सिर्फ एक शख्स कमाने वाला, और वो भी जो घर के बड़े कमाने जाते थे तो वो थोड़ी देर के लिए, लेकिन घर में मोहब्बत बाबो बहा, एक बेदे में 3 बच्चे खा लेते थे। क्या बात है, कहा हर चीज में बरकत, नीयतें सही थी तो बरकत थी, जब नीयतों में खोट आती है तो बरकतें भी दूसरे रास्ते से निकल जाती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि बरकतें आती कैसे है और बरकतें जाती कैसे है। अस्बाब बरकत, बरकत के आने के अस्बाब, वो कौन से काम है जो हम करें तो हमारी जिंदगी में बरकत आए, हमारे रिश्ते में बरकत आए, हमारी औलाद में बरकत आए, हमारे माल में बरकत आए, हमारे औकात में बरकत आए, जिंदगी की हर चीज में बरकत आए, तो वो कौन सी चीजें है जिसके करने से बरकतें आती है, और वो कौन सी चीजें है जिसके करने से बरकतें चली जाती है। ये दोनों बातें आज के आजिज आप खिदमत में रखने जा रहा है, तय करें कि इंशाल्लाह अमल की नियत से सुनेंगे, अपनी इस्लाम की नियत से सुनेंगे, क्योंकि हमारी कब्र में कोई दूसरा नहीं आएगा, हम अपनी कब्र में खुद जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। जब हमें अपनी कब्र में खुद जाना है, इसलिए मेरा अजीजो तय करो कि अल्लाह को राजी करके जाएंगे। अभी मजलिस चल रही है, कोई भी आए तो हम पीछे मुड़ के उसे देखे नहीं, वो आने वाले आते रहेंगे, बैठने वाले बैठते रहेंगे, और हम जो है अमल की नियत से बैठे, क्योंकि जिंदगी जो बनती है वो अमल से बनती है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, लेकिन जिंदगी जो बनती है वो अमल से बनती है। और एक बात याद रखें, बयान के दौरान अल्लाह से बातें करें, अपनी जिंदगी का एक उसूल बनाए, जब भी बयान चल रहा हो तो अल्लाह से बातें करें। आप कहेंगे बयान गौर से सुने या अल्लाह से बातें करें, दोनों काम करें। मैं आपको उसकी तरतीब बताऊंगा। मिसाल के तौर पे अभी ये बात चल रही है कि बरकतें जो है वो कैसे आती है। अब मैंने आपको एक बात बताई कि जो बंदा तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे बरकतें अता फरमाता है। पूरे ध्यान से सुनो, इतना कह दो अल्लाह से कि भाई ताला मुझे तकवा अता फरमा। हो सकता है बयान के बाद सारी बातें याद न रहे, तो चालू बयान में बीच बीच में कोई अच्छी बात आई, फौरन अल्लाह से दुआ। अल्लाह ताला बड़े करीब है, वो देख के खुश होते हैं, मांगने वालों से खुश होते हैं। दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज। दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज। तो मांगना किससे चाहिए? तो अल्लाह से। फरमाया मांगो उसी से जो दे खुशी से, और न कहे किसी से। अल्लाह देख के खुश होता है, बचपन से आज तक नेमत दे रहा है, हाथ दी ये नेमत है, पैर दिए ये नेमत है, आंखें दी ये नेमत है। अगर अभी हमारी आंखें ले ले तो हम क्या कर सकते हैं? अभी एक मिनट के बाद नाबीना कर दे तो क्या कोई उससे पूछने वाला है कि क्यों नाबीना किया?
अभी 5 मिनट के बाद किडनी फेल कर दे तो घर वाले सब हाथ हो जाए, अभी हार्ट अटैक कर दे तो लकवा लगा दे तो सही तरह चल के जा भी ना सके। ये अल्लाह ने सिहत दी है, ये उसका एहसान है। नाराजी दो, एक वक्त आएगा हम दुनिया से चले जाएंगे, इसलिए इस मौके को कीमती समझो, इस वक्त को गनीमत समझो, हर वक्त को कीमती समझो। क्या पता आगे का वक्त नबी है, अभी हमारे पास वक्त है, क्या पता एक घंटे के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, क्या पता कल बंद हो जाए, क्या पता एक साल के बाद बंद हो जाए, या अंतरी बंद होने वाला है। हमें अल्लाह के पास जाना है, इसलिए मेरा अजीज हो रसूलाबाद पटार वालो तय करो कि इंशाल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे और बयान के दौरान वक्तन फौतन अल्लाह से बातें करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपने एक बात बताई कि अक्सर पूरा बयान याद रहता नहीं, तो क्या करें, बयान में बैठना बंद कर दें? बयान तो याद रहता नहीं तो क्या करें, बयान में आना बंद कर दें? गुज़िश्ता साल 10वीं मुहर्रम को या 7वीं मुहर्रम को क्या खाया था खाना, हमें याद है? गुज़िश्ता जुमा को रात में क्या खाया था याद है? तो क्या करें, बंद कर दें खाना? याद तो रहता नहीं है। तो साहब कहते कल का याद नहीं, तो इसके बावजूद हम खाना बंद करते नहीं, क्यों? हमें पता है खाने की बरकत से अल्लाह ताला हमें एनर्जी अता करता है, चाहे याद ना रहे लेकिन बदन के अंदर ताकत कुव्वत हमें मिलती है और सही सारी हम खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं। इसी तरह जब बंदा बयानात में आता है, दीन की बातें सुनता है, उसके जज्बात बनते हैं, अंदर भी रूहानियत बनती है और कुछ करने का वो सोचता है और उसको अपनी पिछली जिंदगी पर अफसोस जरूर होता है। अक्सर ऐसा होता है कि उसको अफसोस होता है कि मैंने अभी तक की जिंदगी गफलत में गुजारी, और इस मजलिस में तो ये तय करता है कि इंशाअल्लाह आइंदा जो है मैं अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। गलती हो जाती है तो अफसोस करता है और चीज है, लेकिन उसके जज्बात, उसकी सोच, उसके अंदर की हिम्मत, उसके अंदर की ताकत, उसका जहन जो है ना, उसका माइंड वो वॉश होता है और वो कुछ नियतें करता है, इरादे करता है, और उसके कुछ पुराने गुनाह जिसकी उसको आदत पड़ चुकी होती है उसके बारे में अपने आप को कोसता है कि यार तू ये गलत करता है, तू रिपोर्ट गलत करता है, तू मोबाइल का ये जो गलत इस्तेमाल करता है ये गलत है, तू जो माँ बाप का मुकाबला करता है ये गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अल्लाह को राजी करने वाले ऐसा नहीं करते। वो अपने आप को कोसता है, उसको एहसास होता है, और ये एहसास इतनी बड़ी चीज है कि एक वक्त आता है इस एहसास की बरकत से इस बंदे को तौबा की तौफीक हो जाती है। तो मेरा हुजूर ये दीनी मजलिस है, बहुत कीमती है, चाहे फजाइल गश्त हो, चाहे दरमियान की बात हो, चाहे आखिरी बात हो, चाहे हफ्तावारी शरीफा का बयान हो, चाहे जुमा पहले के बयानात हो, चाहे कोई जमात आके बात करे, कोई अल्लाह वाले आके बात करे, हम ये तय करें, चाहे निकाह की मजलिस हो, कि इंशाअल्लाह हम दीनी मजलिस में शिरकत करते रहेंगे और हम सच्ची तौबा अल्लाह से करते रहेंगे। हम गुस्ल बार बार करते हैं तो उसके तौबा भी बार बार करते रहेंगे, और हम कपड़े बार बार बदलते हैं तो हम तकवे का लिबास भी हर बार पहनने की कोशिश करेंगे। जब भी हमसे गुनाह हो जाएगा हम फौरन नदामत करेंगे, उस गुनाह में खुशी का इजहार नहीं, अल्लाह पाक सॉरी, अल्लाह मैं गंदा हूं, मैंने गुनाह किया है, अल्लाह मैंने आपको नाराज किया है, आपकी धरती पर जितने लोग चलते हैं उनमें सबसे गंदा पापी और मुजरिम अगर कोई हो तो वो मैं हूं। इस एहसास के साथ जो जिंदगी गुजारेगा अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसको बड़ा ऊंचा मकाम अता फरमाएंगे। जो शख्स अपने आप को गुनहगार समझता है, खताकार समझता है, वो अल्लाह की नजर में तरक्की कर जाता है, और जो अपने आप को कुछ समझने लगता है वो अल्लाह की नजर रहमत से गिर जाता है। जो छोटा होता है माँ भी उसे गोद में उठाती है, बाप भी उसे गोद में उठाता है, और जब
बड़ा होता है ना तो अम्मी अब्बा को उनसे उतार देते हैं। बंदा जब तक गुनाहों से बचता है और दूसरी तरफ अपने आप को गुनेगा और कसूर बहुत समझता है, अल्लाह की नजरें रहमत में रहता है। और जब अपने आप को कुछ समझता है जैसे बड़ा होता है तो माँ बाप गोद से उतारते हैं, ऐसे ही जब अपने आप को कुछ समझता है तो अल्लाह की नजरें रहमत से गिरता है। अच्छा, अल्लाह की नजरें रहमत से जब गिरता है तो फिर क्या होता है, अल्लाह उसका खाना बंद कर देते तो कहा नहीं, उसका पीना बंद कर देते तो कहा नहीं, उसकी मिठी नहीं छीन लेते हैं तो कहा नहीं, उसके पैसे जहां से आ रहे थे वो बंद कर देते हैं तो कहा नहीं, उसकी सेहत खराब कर देते हैं तो कहा नहीं, उसको नमाज़ में आना बंद कर देते हैं तो कहा नहीं, फिर क्या करते हैं अल्लाह, तो कहा कि जब बंदा ऐसा करता है तो अल्लाह उससे मुनाजात की लज्जत से महरूम कर देता है। मुनाजात की जो लज्जत होनी चाहिए ना उससे अल्लाह फिर महरूम कर देता है। इसलिए मेरा अज़ीज़ो, अल्लाह को नाकास करने वाले कोई काम न करो, अल्लाह हमें खुशियों भरी जिंदगी अता फरमाएंगे। अगर कोई खुशहाल जिंदगी चाहता हो तो बरकतें आएगी, खुशहाल जिंदगी मिलेगी, परेशानियां खत्म होगी। सवाल होता है बरकतें आती कैसे है, हम तो चाहते हैं कि बरकतें आए। फरमाया चार पांच चीजें ऐसी है और भी होगी, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, चार पांच चीजें ऐसी है जिसके करने से जिंदगी में बरकतें आती है। सबसे पहली चीज है तक्वा, गुनाहों से बचना। जब बंदा गुनाहों से बचता है ना, जब बंदा गुनाहों से बचता है तो फिर उसकी जिंदगी में बरकत है। देखो अल्लाह वालों, उनकी जिंदगी में बरकतें हैं, है ना भाई, क्या बात है। तो कहा वो गुनाहों से बचते थे। अब सवाल होता है हम भी गुनाहों से बचना चाहते हैं, क्या करें। फरमाया कि मेरे अजीज, हर वक्त इस बात का इस्तेहजार रख, अल्लाह मुझे देख रहा है। जो बच्चा बाप से डरता है और उसका बाप उसे देखता हो तो बाप की नाफरमानी नहीं करता कि मेरा अबू नाराज हो जाएंगे, और अबू नाराज हो जाएंगे तो घर में अच्छा नहीं लगेगा। फरमाया कि अल्लाह तो हर वक्त देखते हैं, ए इंसान तू इस बात का इस्तेहजार अपने अंदर पैदा कर, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, तन्हाई में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं, कारोबार में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह मुझे देखते हैं, जब मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ अल्लाह मुझे देखते हैं, हर वक्त देखते हैं, तो मैं अल्लाह की नजर में हूँ और मैं गुनाह करूंगा, अल्लाह की नजर से गिरूंगा, बाप नाराज हो तो घर में अच्छा नहीं लगता, अल्लाह नाराज हो तो उसकी जमीन पे अच्छा नहीं लगता, जिंदगी तो है वो तंग हो जाती है। फिर इंसान सोचता है अब तो इस जिंदगी से मौत अच्छी है, अब तो लोग घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और अल्लाह वाले यूं कहते हैं कि अगर मर कर भी चैन न पाया तो फिर किधर जाएंगे, अगर मरा और अजाब कब्र शुरू हो गया फिर कहां जाएगा। इसलिए नाराजी लो, अल्लाह को खुश करो, अल्लाह दुनिया में खुशहाली वाली जिंदगी देगा, दुनिया में भी बहारें देगा। तक्वे वाले का ऊंचा मकाम है, अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली कौन, अल्लाह के दोस्त कौन। फरमाया कि जो ईमान लाए, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान दिया है, और तक्वा इख्तियार किया जिन्होंने, मुत्तकी लोग तकवे वाले, गुनाहों से बचने वाले, الذين آمنوا जो ईमान लाए, وكانوا يتقون और तकवा इख्तियार किया, ये है अल्लाह वाले। अब क्या होगा, अल्लाह इनको सिर्फ आखिरत में खुशियां देगा, आखिरत में बशारतें देगा, पर ना 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 लहुल बुशरा फिल हयात दुनिया, उनके लिए बशारतें हैं दुनिया की जिंदगी में भी। अल्लाह ने पहले फरमाया लहुल बुशरा फिल हयात दुनिया, उनके लिए बशारतें हैं दुनिया की जिंदगी में भी, और फिर आखिरत, और
آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور کامیابی کو تلاش کرنے والوں، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. کون سی بڑی کامیابی ہے؟ کہ ہم اللہ والے بن جائیں. اللہ والے بننے کے لیے کیا کریں؟ تو کہا اپنے ایمان پر جمے رہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے رہے، اللہ نے جو ایمان دیا ہے اس کی تجدید کرتے رہے، تو ہمارے پاس ایمان ہوگا اور تقویٰ ہوگا. جس کے پاس ایمان ہو اور تقویٰ ہو وہ ہے اللہ والے. تو طے کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم گناہ سے بچیں گے. بچیں گے انشاءاللہ. جو بندہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ اب مجھے گناہ نہیں کرنا، اللہ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا لیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، کیا کریں؟ فرمایا گناہوں سے بچ جائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی. تقویٰ جو ہے، تقویٰ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، تقویٰ والے اللہ کے ولی ہے. فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے ولی وہی ہوتے ہیں. اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ پتہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے. جس کے پاس جتنا تقویٰ اس کے پاس اتنا ہی اللہ کا قرب، وہ اتنا ہی اللہ کا قریبی. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے کتنے قریبی ہیں، ہمارا اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے، کہا کہ انسان تو دیکھ لے کہ تو گناہوں سے کتنا بچتا ہے، شریعت و سنت میں تو کتنا عمل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. آپ نے نام سنا ہوگا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. نام سنا آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. ان کے والد صاحب کا نام حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ. بہت بڑا اللہ نے ان سے کام لیا، بہت بڑے محدث، بہت اونچا مقام. حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ ایک شخص کے غلام تھے. غلام کا ایک چھوٹا سا مقام ہوتا ہے، غلام تو غلام ہی ہوتا ہے، نوکر تو نوکر ہی ہوتا ہے. تو غلام تھے، باغ میں کام کرتے تھے. 3 سال کے بعد مالک آیا، جس کا باغ تھا نا، وہ آیا اور کہا کہ مجھے کچھ پھل کھلاؤ. سمجھو کہ وہ آم کا درخت ہوگا، انہوں نے آم لا کر کھلایا. اب وہ کاٹ کر کھلائے تو آم تو کھٹے. تو کہا بھائی یہ تو کھٹے، دوسرے طرف سے لے آؤ. دوسرے طرف سے لے کر آئے، وہ بھی کھٹے. تو کہا بھائی، کہا 3 سال سے یار ہوں، کیا کرتے ہو؟ ابھی آپ کی پہچان نہیں ہوئی آپ کو، ارے کوئی اور طرف سے لے آؤ. دھیان سے سن کر تیسرے طرف سے لے آئے، پھر کھٹے. مالی بہت ناراض ہوا اور کہا کہ 3 سال سے آپ جو ہے باغ میں رہتے ہیں، باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور یہ 3 سال کے عرصے میں ابھی آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کون سے درخت کا پھل کھٹا ہے اور کون سے درخت کا پھل میٹھا ہے، اور کون سا آم میٹھا ہے اور کون سا آم کھٹا ہے، ابھی تک آپ اتنا سمجھ نہیں پائے. جب مالک بہت غصے ہوا تو حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا تھا، پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا تھا.
आपने तो निगरानी के लिए रखा था, और ये तीन साल में आपके दरख का मेरे एक भी फल अभी तक खाया नहीं। तीन साल में आपके बाप में से मैंने एक भी फल खाया, आपकी इजाजत नहीं है मुझे तो मैंने खाया नहीं। अब मैं खाता तो पता चलता मैं कौन से दरख का फल बैठा है। अल्लाह अकबर, कैसा तकवा, कैसा इख्तियार, ये है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। हालांकि काम कर रहे हो क्या, लेकिन थोड़ा भी आगे पीछे करना बर्दाश्त नहीं। उनके गुलाम है वो, बहुत शर्मिंदा हुए वो मालिक और कहा कि इनका इतने ऊंचे लेवल का तकवा है, ये इतना मुत्तकी इंसान है, इसको मैं डांट रहा था। उसने सोचा कि यार तुम्हारे अंदर इतना तकवा है, जाओ मैंने तुमको आजाद कर दिया, अब से तुम गुलाम नहीं, अब से तुम नौकर नहीं, मैंने तुमको आजाद कर दिया। उसने देखा है तो अल्लाह वाला इंसान है। फिर सोचा कि यार मेरी बेटी भी बड़ी हो चुकी है, उसका रिश्ता भी करना है, तो इससे बड़ा आमादतदार शख्स मुझे कहां मिलेगा ऐसा तकवे वाला, जो तीन साल से जिसने मेरे दर्द का फल नहीं खाया हो, तो ऐसा अच्छा नौजवान मुझे कहां मिलेगा। अब बड़े अजब से बात कर रहे हैं कि मेरी बेटी भी है, अब तो आप आजाद भी हो चुके हैं, तो अगर आप कची चाहे तो मैं मेरी बेटी से आपकी शादी कर लू। बहुत मालदार शायद, बहुत बड़ा ताजिर, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने इनसे बेटी की शादी कर दी। अब इनको आजाद कर दिया, बेटी भी दे दी। फिर सोचा कि यार कुछ हदिया भी तो देना चाहिए, तो हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को ये पूरा बाप भी हदिया कर दिया। ये सब तकवे में मिल रहा है। अगर जो मीठा फल देखते तोड़ के ला दिया होता, पहले चख लिया होता और मीठा फल ला दिया होता, तो शायद न बाप मिलता न बाप वाली मिलती, और ये बाहर नहीं आती जिंदगी में। इतने खुश नहीं होते वो मालिक, खुश किस पर हुए, तकवे पर हुए, इनकी एहतियात भरी जिंदगी पर हुए। और अल्लाह ने कितनी नेमतें दी कि बागीचा भी दिया, वो बाप भी दिया और बीवी भी दी, आजादी भी दी। फिर कुछ वक्त के बाद उनसे जो औलाद हुई उनका नाम रखा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने उनसे इतना बड़ा काम लिया, इतना बड़ा काम लिया कि उनका हदीस शरीफ का जब दर्स हुआ तो तकरीबन 40,000 से ज्यादा का मजमा था। इतने उनके ऐसे अखलाक, खैर मुझे तो उनके बारे में भी बात नहीं करनी, लेकिन मेरा अजीज हो, तकवे की बरकत से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है, गुनाहों से बचने की बरकत से हम दुनिया से जाएंगे फिर हमें बहुत अफसोस होगा कि यार काश मैं गुनाह से बच जाता, काश मैं मेरे नबी की नकल उतारता, काश मैं इस्लाम पर चलता, तो आज मेरी कब्र में बाहों बहार हो जाती, मेरी कब्र में एसी मिल जाता, कब्र में एसी होगा कि नहीं, तो जन्नत की खिड़की खुलेगी वो, तो वो एसी से कोई कम है। अल्लाह कब्र पर जो जन्नत की खिड़की खोल दे तो कितना बड़ा एसी है वो, तो मेरा अजीज हो ऐसे ही जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मेरे इंतकाल के वक्त मुझ पर रहम करना, मुझे अच्छा खात्मा देना, मेरी कब्र को ताहत दे बिना वसी कर देना, मेरी कब्र में आप जन्नत की खिड़की खोल देना, मेरा हिसाब किताब आसान देना, मुझे कोई सिरात पर से आसानी से गुजार देना, हुजूर के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाना, और अल्लाह जन्नत में ताजदार मदीना का पड़ोस अता फरमाना, प्यारे अल्लाह जन्नत में मुझे बार बार आपका दीदार अता फरमाना, ये सारी चीजें अल्लाह से मांगी। बस ये एक महीने की मुझे खर्ची मिल जाए, और ये एक महीना कैसे गुजरे यहां तक अपनी जिंदगी की सोच न रखे, वो जन्नत के आला मकाम तक सोच रखे और पूरी तफसील से अल्लाह से दुआ मांगे। कहते हैं क्या दुआ मांगू, अरे दुआ मांगना अल्लाह मुझे नेक बना, मेरे बच्चों को नेक बना, मेरी बीवी को तेरी भी फरमाबरदार बना और मेरी भी फरमाबरदार बना, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे तेरे भी दीवारे हो और मेरी भी खिदमत गुजार हो। आप कहना शुरू करें, देखिए अल्लाह ताला कैसे बीवी को फरमाबरदार बनाते हैं, बच्चे को कैसे फरमाबरदार बनाते हैं। अल्लाह जी मैं आपसे दुनिया में एक अच्छा वसी घर मांगता हूँ, आप मुझे मेरी मालिकी का घर अता फरमा दीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे घर का इंतजाम फरमाते हैं।
अल्लाह ताला जब किसी को कुछ देना चाहते हैं ना तो उसको दुआ की तौफीक भी अच्छा फरमा देते हैं। हम यूं कहते हैं कि हमें दुआ की तौफीक भी होती, ऐसा तो नहीं कहना नाराज है। दुकान पे जाने की तो तौफीक होती है, ग्राहक के साथ बात करने की तो तौफीक होती है, लेकिन अल्लाह से बात करने की तौफीक नहीं होती, दुआ की तौफीक नहीं होती। ये बहुत अफसोस की बात है। इसलिए तय करें कि इंशाल्लाह रोजाना कम से कम 10 मिनट दुआ मांगेंगे। इंशाल्लाह अपनी दुनिया की जिंदगी के बारे में भी मांगे कि अल्लाह तुम मेरी नस्लों में तेरे औलिया पैदा कर दे। तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू मेरी नस्लों में तेरे औलिया पैदा कर दे, अल्लाह वाले पैदा कर दे, मेरी नस्लों में हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन के दाई पैदा फरमा। अल्लाह मेरे खानदान में कोई बेनमाजी ना रहे, तू ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं घर में मैं तेरा कुरान पढ़ूं, मेरे बीवी बच्चे भी तेरा कुरान पढ़े। लेकिन अल्लाह जी हमारे अंदर बहुत गफलत है, कई कई दिन गुजर जाते हैं, कुरान शरीफ खोलने की नौबत नहीं आती और वर्कशॉप खोलने की नौबत रोजाना आती है, मोबाइल की नौबत रोजाना आती है, कुरान पढ़ने की नौबत रोजाना आती नहीं। अल्लाह हमारा तो ये हाल है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारे घरों में कुरान शरीफ के ऊपर धूल जम जाती है। अफसोस की बात है, किताबों पर, कुरान शरीफ पर धूल किस पे जमती है, जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता। शोकेश में जिन ग्लासों का इस्तेमाल नहीं होता उन ग्लासों पर आहिस्ता आहिस्ता धूल जमती है, उसको महीने दो महीने एक मरतबा साफ करते हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए जब शोकेस में से ग्लास वगैरह साफ किए जाते हैं, उस वक्त जब अलमारी साफ की जाती है तो उसमें से कुरान शरीफ निकलता है, उसको भी साफ करो। क्यों? कुरान शरीफ खोलने की नौबत नहीं है, कुरान शरीफ खोलने की नौबत नहीं है। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। मेरा जो एक बात ये तय कर लो कि इंशाल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे, अगर हम गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह ताला हमें तक्वा अता फरमाएंगे। तो पहली चीज जो बंदा तकवा इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे बरकतें अता फरमाते हैं। वो दूसरी चीज जिसके इख्तियार करने से अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाते हैं वो है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का कोशिश करो हर वक्त हमारी जुबान अल्लाह की याद में, कुछ ना कुछ पढ़ो, अल्लाह हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और यहां हमने पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नेकी लिखने वाला फरिश्ता फौरन लिख लेगा कि इसमें इतने बजे इतनी मिनट पर दुरूद शरीफ पढ़ा, और ये कयामत के दिन हमेशा बहुत काम आएगा। अल्लाह ताला अजर देगा, अल्लाह सब देख रहा है, इंसाफ का इंतजारे वाला है। हम अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र में मशगूल करें। शायर ने कहा लब पे जिक्र अल्लाह की तकरार हो, लब पे जिक्र अल्लाह की तकरार हो, दिल में हर दम हक का इस्तेहजार हो, अगर तू कर ले इस पर हासिल दवा, फिर तो कुछ दिन में बस बेड़ा पार हो, फिर तो बस कुछ दिन में बेड़ा पार हो। लब पे जिक्र अल्लाह की तकरार हो, दिल में हर दम हक का इस्तेहजार हो, अगर तू कर ले इस पर हासिल दवा, फिर तो बस कुछ दिन में बेड़ा पार हो। तो हम तय करें अल्लाह का जिक्र करें अपनी जुबान से, अपने दिल से भी अल्लाह को याद करें, करेंगे इंशाल्लाह जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं सोहबत में रहे, उन्हें देख के इंशाल्लाह हमें भी जिक्र की तौफीक होगी। अल्लाह से कहे अल्लाह मेरी दोस्ती तू उन लोगों से करवा जो तेरी याद में रहते, मुझे तेरे जिक्र की भी तौफीक अता फरमा।
اور جو تیری ذکر میں رہنے والے ہیں ان کی صحبت بھی عطا فرمائے, دونوں چیز عطا سے مانگے. اسی کو فرمایا اہل دل کے پاس جو جانے لگے, اللہ والوں کے پاس, اہل دل کے پاس جو جانے لگے رفتہ رفتہ وہ اللہ کو پانے لگے. اہل دل کے پاس جو جانے لگے رفتہ رفتہ وہ اللہ کو پانے لگے. اللہ والوں کی جو صحبت ہمیں ملی, اللہ والوں کی جو صحبت ہمیں ملی, دنیا کو چاہنے والے ہم کو دیوانے لگے. اللہ والوں کی اہل دل کی جو صحبت ہمیں ملی, دنیا کو چاہنے والے ہمیں دیوانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات بھی بابرکت, تبارک الذی بیدہ الملک, اللہ کا نام بھی بابرکت, تبارک اسم ربی. تو ایک بات یاد رکھنا, جب کوئی بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرمائیں گے. شروعات کہاں سے کریں؟ فرمایا کوئی بھی اچھا کام کرے وہ اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھے. کوئی بھی اچھا کام, میں پنکھا چالو کر رہے ہیں بسم اللہ, گاڑی کے ریموٹ سے گاڑی شروع کر رہے ہیں بسم اللہ, سیل اسٹارٹ دبا رہے ہیں بسم اللہ. بسم اللہ کی عادت ڈالے, کوئی بھی اچھا کام کرے بسم اللہ, مسجد کا دروازہ کھول رہے ہیں بسم اللہ. تو جو بندہ بسم اللہ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی برکت کے ساتھ, تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائیں گے. نمازوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ برکتیں آئے گی, کریں گے انشاءاللہ. فجر کی نماز کا اہتمام کریں, کتنا اچھا مجموعہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ لائے ہے اس کا احسان ہے. ہم آئے نہیں ہیں, اللہ لائے ہے, ہم بیٹھے بھی ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے جلدی چلے جاتے ہیں, تو اتنی دیر سے بیٹھے ہیں, یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ نے بٹھایا ہے, ورنہ اس کے چائے بغیر تو درخت کا پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا. اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے, اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا وہ اچھی جگہ گزر رہا ہے, تیرے گھر میں گزر رہا ہے, میں دین کی باتیں سن رہا ہوں, اور یہ وہ وقت ہے, اس وقت میں بد نظری سے بچ رہا ہوں, گناہ سے بچ رہا ہوں, جھوٹ سے بچ رہا ہوں, موبائل سے بچ رہا ہوں. اللہ تیرا احسان ہے. تو میرا عزیزو پہلی چیز تقویٰ, دوسری چیز اللہ کا ذکر جس سے برکتیں آتی ہے, تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعائیں کرے, اللہ مجھے برکت, میری ہر چیز میں برکت, مجھے تقویٰ عطا فرما, مجھے ہر وقت آپ کی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بے برکتی سے تو مجھے بچا, برکتیں عطا فرما. کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے. اور اللہ سے مانگے گے تو اللہ نہیں دے گا, اللہ دے گا. بچہ ہم سے 10 روپے مانگے تو ہم نہیں دیں گے, ہمارا بیٹا ہے. باپ کو اپنے بیٹے سے جتنا پیار ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہے. ہم مانگے تو سے ہم مانگتے نہیں ہیں, اللہ سے مانگنا شروع کرے, اللہ کہاں سے کہاں پہنچائے گا. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی بلاسپور میں, ایک مولانا سے. انہوں نے کہا مولانا اللہ نے مجھے بہت نوازا, میں 25 کروڑ کا آسامی ہوں, 25 کروڑ روپے میرے پاس. میں نے کہا کوئی وجہ؟ تو کہتا میں نے کبھی میرے ابا سے بھی پیسے نہیں دیے, میری گہرتی گوارا نہیں کرتی, میں نے اللہ سے کرتی, بہت غربت. میں مدرسے میں پڑھتا تھا ڈھابے, تو میرے پاس گھر جانے کے پیسے نہیں تھے, لیکن میری عادت میں کسی کو کہتا نہیں, میں اللہ سے کہتا. مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم دے, مجھے دیکھا آپ کی چھٹی ہو گئی اور یہ یہی ہے, تو مجھے پوچھا کہ آپ کیوں گھر نہیں گئے. دوستان ان کو تو بتانا پڑے,
मैंने कहा हजरत मेरे पास पैसे नहीं, तो फिर हजरत से मैंने उधार लिए, मांगे नहीं। हजरत ने कुछ पैसे दिए, फिर मैं गया मौलाना, मैं अल्लाह से मांगता था, 100 रुपये भी मेरे मेरे अब्बा से मांगे नहीं। आज वो वक्त है कि अल्लाह ताला ने मुझे बरकतें दे दी, मैं 25 करोड़ का आसामी हूँ, 3 कारें खड़ी थी। कहा देखो अल्लाह ने कैसी बरकत दी, अभी मैंने एक जमीन ली और साथ में एक शख्स ने हॉस्पिटल बनाना शुरू की, तो ऐसे मेरी जमीन की कीमत बढ़ गई, ऐसे अल्लाह ताला मुझे नवाज आ गया। मेरा अजीजो, अल्लाह ताला जब देने पर आते हैं बहुत कुछ दे देते हैं, हमारा आलम मानते नहीं है। 10 घंटे बिजनेस में जाते हैं, वहां महीने 10,000 मिलते हैं, 12,000 मिलते हैं, 10 घंटे जाते हैं, मना नहीं करता, जाना चाहिए, लेकिन भाई तू अल्लाह के सामने मांग तो सही, अल्लाह के सामने हाथ फैला तो सही। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है, बात रब पे जो छोड़ देता है, उस रब के लुत्फो करम के क्या क्या कहने, लाख मांगो तो करोड़ देता है। अल्लाह ताला तो देने के लिए तैयार है, लेने वाले कहाँ है, उसके खजाने खुले हुए हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं बैठा हुआ था, मेरे बाजू में एक नौजवान था, मेरे बाजू में एक नौजवान और इस तरफ एक बड़ी उम्र के चचा थे, तो बड़ी उम्र वाले भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सामने साहब अल्लाह के सामने सब छोटे ही है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा अल्लाह का वली हो जाए, उसकी उम्र चाहे 80 साल क्यों हो जाए, लेकिन माँ बाप का तो बच्चा ही है। इसे कोई कितना बड़ा हो जाए, अल्लाह का तो बंदा ही है। तो हजरत फरमाते हैं कि मेरे इस तरफ नौजवान बैठा था, इस तरफ बड़ी उम्र के चचा बैठे थे, बड़ी उम्र के चचा ने दुआ मांगना शुरू की, थोड़ी आवाज से दुआ मांग रहे थे। मैं ध्यान से, हजरत फरमाते हैं कि मुझे भी आवाज आने लगी और हजरत झूमने लगे उनकी दुआ सुन के, वो कह रहे थे अल्लाह मुझे खरबों पाऊ लगा फरमा, रुपये पैसे नहीं, करोड़ रुपए नहीं, पाऊ वो भी खरबो अल्लाह से मांग रहे। वो नौजवान को खल लगी हुई, खरबो पाऊ मांग रहे चचा। हजरत फरमाते हजरत को तो तसव्वुर नहीं कि ये नौजवान चचा को हाथ मारेगा, वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे खरबो पाऊ अता फरमा, ये अल्लाह मुझे खरबो पाऊ अता फरमा। नौजवान ने हाथ मारा, चचा ने बोला क्या हुआ, चचा थोड़ा पास तो मांगो। नौजवान को हाथ मारा, बोले तेरे से मांग रहे हैं, बोले जिसके पास मांग रहेगा उसके लिए खरबों पाऊ कुछ भी नहीं, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, वो अल्लाह से मांग रहे हैं यार, तू क्यों रोकता है, वो अपनी तार अल्लाह से जोड़ रहा है, अल्लाह से मांगने वाले, अल्लाह मुझे दुनिया भी इस्तेमाल से भी खूब नवाज और उसको सही इस्तेमाल की भी तुम मुझे तौफीक अता फरमा, दोनों अल्लाह से मांगे। اللهم ارزقنا